इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? मीनिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा सोल ट्रेडिंग, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं रहता है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनरशिप, फिनेंसिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा, ठीक है। इसमें पब्लिक यूटिलिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज एग्जाम्पल के तौर पर बताया है मैंने। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सोल ट्रेडिंग, HUF, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कॉपरेटिव, यहाँ पर डिपार्टमेंटल। नाउ ये रहा जो उन्होंने बताया है, सोल ट्रेडिंग एक अकेला आदमी, हिंदू अनडिवाइडेड, बाकी सब ग्रुप में हुए। पब्लिक यूटिलिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिन लोग, या बॉम्बे में जो बस और इलेक्ट्रिसिटी का BESP है, बॉम्बे इलेक्ट्रिक एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। डिपार्टमेंटल जो कि इंडियन रेलवेज है। पब्लिक कॉरपोरेशन जो कि LIC का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट कंपनीज जो कि HAL है, ठीक है ना। सो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तीसरा, मेन मोटिव प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है और इनका एसेंशियल सर्विस या तो सेवा देना है। प्रॉफिट नहीं है पब्लिक सेक्टर का मोटिव, इट इज सर्विस। चौथा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर किसके पास रहेगा? ओनर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में आपके दो पार्ट्स होंगे, कंपनी रहा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैनेजिंग कमिटी होगा। और यहाँ पे मानते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, लेकिन इन बोथ द केसेस गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उन डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। उसके बाद साइज ऑफ एंटिटी। नाउ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में साइज ऑफ एंटिटी लाइक सोल ट्रेडर कुछ हजार रुपए में या लाख रुपए में भी शुरू हो सकता है। और कंपनीज काफी बड़े साइज भी में आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर कभी भी बहुत बड़े साइज, करोड़ों अब्जों रुपए में, इंडियन रेलवेज ले लो, LIC ले लो, ये सब करोड़ों रुपए की बात करते हैं। छोटे लेवल पे पब्लिक सेक्टर काम करता ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल प्रोवाइडर, कैपिटल में जो ओनर है या तो इंडिविजुअल या कंपनी में शेयर होल्डर्स हो, ठीक है ना, प्राइवेटली कैपिटल बिजनेस में डाला जाता है। पब्लिक सेक्टर में कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इवन लॉस में लॉस हुआ, कैपिटल कम हुआ और बिजनेस बंद भी होने की हालत में आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर में बंद भी हो सकता है। जैसे कि जेट एयरवेज बंद हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी लॉस हुआ तो गवर्नमेंट भरपाई कर देता है, देयरफॉर वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होता, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस एरियाज। नाउ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज, इन शॉर्ट जहां पे गुड्स बिकता है, जहां प्रॉफिट के चांसेस है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटर करता है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर ज्यादातर तो पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि पब्लिक की सेवा के लिए रेलवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है ना, ऐसे टाइप के सर्विसेज हो जिसमें ये लोग एंटर करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, बिजनेस एरियाज, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग क्विक है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग फास्ट रहता है, जबकि पब्लिक सेक्टर में डिलेड रहता है, क्योंकि कई बार इंडियन रेलवेज रहा तो
पार्लियामेंट से भी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो डिसीजन मेकिंग इज डिलेड और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, गवर्नमेंट का दखल अंदाजी, ये सब काफी होता है। एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू प्रोफेशनल अप्रोच इज, एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है, तो वो लोग मैक्सिमाइज सेल्स और मिनिमाइज कॉस्ट में काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी काफी रहता है क्योंकि काफी कम रहता है क्योंकि गवर्नमेंट भरपाई करके देता है। और याद रखना, आखिरी पॉइंट हमेशा आप एग्जाम्पल लोगे, कोई भी ऐसा रहा डिस्टिंग्विश का तो आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल लिखना। आपका एग्जाम्पल क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल देना, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोल देना, करेक्ट? सो यहाँ पे ये अपना डिस्टिंग्विश खत्म होता है। 10 पॉइंट लिखोगे 5 मार्क के लिए तो आपको पूरे मिल जाएंगे। ये पॉइंट हेडर जरूर लिखना जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोलना चाहते हो। सो चेकर में नॉट रीड ऑल्सो इंसाइड इफ टाइम की कमी हो, लेकिन ये पॉइंट हेडर काफी जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।